दोस्तों जैसे आपने देखा है वहां पर है मौत का कुआ, उसके साथ साथ यहाँ पर एक मौत का कुआ है। नहीं भैया मैं पी के आ गया, नाश्ता हो गया मेरा। अरे धन्यवाद। ग्वालियर व्यापार मेला पे छा गया है कोरोना का संकट, क्या ग्वालियर व्यापार मेला होगा चालू? नमस्ते सुशकल, मैं और रॉन यूट्यूबर फिर एक बार नया वीडियो के साथ आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी हूँ मैं यहाँ पे ग्वालियर व्यापार मेला के ग्राउंड में और मैं आपको लाइव अपडेट्स देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और आज की अपडेट ये है, 25 दिसंबर 2022 आज शुरू होने वाला था ग्वालियर व्यापार मेला, पर क्या शुरू हुआ? क्वेश्चन मार्क आपके लिए है, क्योंकि अभी नए गाइडलाइंस दोबारा से चालू हुए हैं, शुरुआत हुए हैं कोरोना के बारे में। कोरोना फैल रहा है चाइना में, बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रही है कोरोना की महामारी, और इसी के साथ यहाँ पर हमारे देश में भी कोरोना के कुछ गाइडलाइंस को जारी कर रहे हैं। और कलेक्टर के ऑर्डर से जब तक कोरोना के गाइडलाइंस नहीं चालू होगे, तो यह मेले के प्रबंधकों ने बताया है कि दुकानदारों को बताया कि गाइडलाइंस के बाद ही आपको दुकानों को शुरुआत करना है या लगाना है। चलिए यहाँ के दुकानदारों से यहाँ पहले बात कर लेते हैं, पहले देखते हैं कितने परसेंटेज दुकानें यहाँ पे लगे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ की कुछ अनोखी चीज़ें मैं हम लोग पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग दुकानदारों से बात करेंगे। दोस्तों मेरे यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी अच्छे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए, ब्रेक डांस है यहाँ पे, ट्रेन है, और यहाँ पर भी देख सकते हो, और सबसे बड़े झूले यहाँ पर लगे हुए हैं, काम अभी भी चालू है। और साथ में यहाँ पर मौत का कुआं भी आप देख सकते हो। चलिए थोड़ा सा मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ। ये है बच्चों के ड्रैगन ट्रेन यहाँ पर लगी है। ओके, काफी हद तक कुछ दुकानें यहाँ पे अराउंड मान लीजिए 25 से 30% दुकानें यहाँ लगी हुई है, और अभी भी कामगारी चालू है और अभी भी लग रहा है। ओके, इस मेले के बहुत बड़ी सी एक चीज आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है हमारा नाव। इतनी बड़ी नाव भाई साहब मैंने कभी नहीं देखी है, पहली बार देख रहा हूँ इतनी बड़ी नाव। इससे पहले भी बड़े बड़े नाव लगे हुए, पर इतनी लंबी नाव मैंने कभी नहीं देखी है। आप देख सकते हो पूरी की पूरी यहाँ पे सफेद लगी हुई है, अभी तक शायद पेंटिंग नहीं हुआ होगा या पेंटिंग करना बाकी होगा। चलिए हम इसके ओनर से मिलके बात करते हैं एक बार, अगर मिल जाए तो। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने आपका नाम भैया? महेश सिंह गौर। हाँ, यहाँ पर जो नाव लगी हुई है क्या ये आपकी है? ओके, मैंने पहली बार देख रहा हूँ मैं इतनी बड़ी नाव, कोरोना के 2 साल के बाद अभी पहली बार इस साल 2022 में मेला लग रहा है, क्या आज शुरुआत होगा? आज मेला, आधा मेला चालू हो जाएगा। ओके, आपको मतलब आपके मुताबिक कितने परसेंटेज दुकानें लगे होंगे अभी तक? दुकानें अभी 50% लग पाएंगे। और जो दुकानदार है उनका अभिप्राय क्या है, क्योंकि कलेक्टर ने नया गाइडलाइंस को चालू करने वाले हैं, अभी कोरोना के बारे में बता दिया है कि इसको देख के बाद में दुकान लगा दीजिएगा, ऐसा क्या गया है? प्रबंधकों ने भी शायद कहा गया होगा है ही नहीं है कोरोना, तो नहीं, हम तो कह रहे हैं कोरोना है नहीं है, प्रशासन कह रहा है कोरोना है, तो उसके बारे में आपकी क्या अभिप्राय है? साल दुकान लगी थी, बेचारे व्यापारी जितने लोग आए थे सब व्यापारी संघ के सब लोग मारे गए थे इसमें। ठीक है, अब कितनी बिल्कुल कटोरा मांगना हो जाएगा व्यापारी लोग। ये सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा, ये बहुत बड़ी जो नाव इस बार लगी है, पहली बार लगाया क्या? पहली बार लगा। अभी ये क्या सफेद ही रहेगा क्या, इसको रंग वगैरह लगना है? रंग लगेगा, पहली बार आया नाव में, सबसे बड़ा नाव है ये, सबसे बड़ी नाव है सही में, क्योंकि मैं वहां से जब आ रहा था तो सबसे पहले मेरी नजर तो इसी पे चली गई। हाँ, मतलब अभी तक मैंने काफी नाव देखे है पर इतनी लंबी नहीं देखी। बड़ी मौत के कुएं के पास में नाव लग रही है। सही है, बहुत अच्छी जगह पे लगा हुआ है कि सबके नजर में भी आ रहे हैं यहाँ पर। अभी कितना टाइम और लगेगा इसे कंप्लीट करने में? दो दिन और लगेगा। अच्छा, बिजली का कनेक्शन वगैरह मिल चुका है? अभी नहीं मिला। नहीं मिला, कब तक मिलेगा कोई अंदाजा? आधे लोगों के हो गए, आधे लोग कर रहे हैं, चला है कब का। अच्छा चल रहा है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इधर आए और इस नाव का इस बार एंजॉयमेंट, मतलब जो भी एंजॉयमेंट लेना है लोगों को लेने दो, क्योंकि सबसे पहली बार मैं देख रहा हूँ, सबसे बड़ी नाव है। अब मेरे तरफ से मैं कहता हूँ कि लोगों को यहाँ पर आना है। नाव जय केला माँ मारुति कार सर्कस के बगल में लगी हुई है। बढ़िया, ठीक है दोस्तों, तो ये है, आपका नाम दोबारा बताइए? महेश सिंह गौर। ओके, इनके ओनरशिप पे ये है नाव खड़ी है बहुत बड़ी सी। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पर आइएगा और इस मेले का फायदा उठा दीजिएगा। जब भी आप आएंगे यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कोरोना है या नहीं है अलग बात है, पर हमें मास्क पहनना है, और मास्क पहन के साथ साथ हमें यहाँ पर लोग मेले की जो एंजॉयमेंट हमें लेना। और भैया बताइए कैसे हो? वीडियो बना रहा था। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी दुकानें हैं, मुझे नहीं लगता सारे दुकानें यहाँ पे लगे हुए, कुछ काम अभी भी बाकी है और आधा अधूरा सा लग रहा है। आज 25 दिसंबर है और शुरुआत होने वाला था, और अभी तक मुझे कहीं पर भी निशाने ऐसे नजर नहीं आ रही कि आज मेला शुरुआत होने वाला है। कई दुकानों में बिजली का अभी तक सप्लाई भी नहीं है।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्टर की तरफ से, और हम उस तरफ से कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह हम देख लेते हैं और बाकी चीजों की हम जानकारी लेंगे। दोस्तों मैं हूँ 13 नंबर और 12 नंबर छतरी के बीचों बीच, और मेरे सामने यहाँ पर एक दुकान अभी बन के रेडी हो रही है, अभी तक रेडी नहीं हुआ है। ये सफारी सूटकेस का है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ आप इस तरह से देख सकते हो यहाँ पर भी है एक और दुकान, यहाँ पे होने वाली है शुरुआत। तो इनसे पूछ लेते हैं हम, भैया किस चीज का दुकान है ये? सूटकेस का। कब तक शुरुआत होने वाला है? आज तो 25 दिसंबर है, आज शुरुआत होने वाला था। तो आपको मतलब क्या लगता है कि जनवरी 1 तक शुरू होगा? हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हो आप, रेडी हो रहा है, कपड़ों की कुछ दुकानें लगे हुए हैं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट लगा हुआ है सामने, तो हम कुछ जानकारी यहाँ से लेंगे। तो हमारे सामने एक पापड़ भंडार की दुकान है, ओके। और भैया ने, तो भैया आपका नाम क्या है? नवीन कुमार जी ने तो अपनी दुकान तो जमाई है अभी, ऑलरेडी पापड़ वगैरह सब लगा के रखे होंगे, है ना भैया? के अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए? कितने कस्टमर डेली मिल रहा है आपका अभी? डेली का मिल रहा है अभी इस वक्त, जब अभी शुरुआत हुई नहीं है पूरी तरीके से तब भी? अच्छा, कब तक मतलब कौन से समय पे आ जाते? एक बजे के बाद। ओके, पर ओके, बट बस एक मतलब खाना पीना खा के चले जाते होंगे, बाकी तो कोई एंजॉयमेंट तो मिलता नहीं है, बिजली का कनेक्शन तो नहीं है, है ना? तो आप दिखाइए मुझे दुकान, दिखाइए आपने किस तरीके से बनाई है, कितनी बड़ी है। ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, भैया ने तो अपनी दुकान बढ़िया तरीके से जमाई है यहाँ पर, और बैठने की व्यवस्था बढ़िया है यहाँ पे, काफी जगह है यहाँ पर, मतलब ये मान लीजिए कम से कम 50-70 लोगों को एक बार यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। ओके, दुकान का नाम है अंजलि काजला पापड़ भंडार। ओके, तो पहले टोकन लेना पड़ेगा? चलिए अब मैं आ जाऊंगा तो मुझे टोकन लेना पड़ेगा क्या? याद रखोगे मुझे? जरूर भैया, स्वागत है सबका मेरे। जरूर जरूर भैया, ओके धन्यवाद। अभी मैं हूँ 10 और 11 नंबर के छतरी के बीचों बीच, और यहाँ का थोड़ा सा माहौल अच्छा लग रहा है कि यहाँ के दुकानें थोड़े बड़े लग रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है मेरे सामने है सॉफ्टी की दुकान है, यहाँ पे पूरी तरीके से सेट हो चुकी है, बैठक की पूरी व्यवस्था अंदर बनी रखी है, बॉम्बे पर्स, और यहाँ पर एक और अंजलि कजला और पापड़ भंडार 11 नंबर पे, जैसे अभी भैया ने बताया था मेरे को, एक वहाँ पर है 12 नंबर पे, और ये यहाँ पे इस एरिया में 11 नंबर के छतरी पे सामान वगैरह भरा रखा है। इधर भी एक है बेलपुरी, ओके जैन सुपर सॉफ्टी, साथ में कुछ मोटर्स का यहाँ पर दुकानें लगी है, कुछ दुकानें यहाँ पे, मतलब कुल मिला के ये 10 नंबर का जो छतरी है पूरी भरी रखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ भी हम आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ अभी 5 नंबर के छतरी पर, और किसी को हैंडलूम्स की ज़रूरत है तो यहाँ पे हैंडलूम की दुकान है, यहाँ पर 5 नंबर पे लगे हुए है। तो मेरे वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, 5 नंबर के छतरी पर हैंडलूम की दुकान है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ खाने पीने के आइटम की दुकानें भी आपको मिलेंगी। दोस्तों मेरे सामने है सबसे बड़ी ब्रजवासी सुपर सॉफ्टी और बेलपुरी की दुकान, बहुत ही बड़ी तरीके से इसको बनाया गया है। ये आपको मिलेगा छतरी नंबर 6 पे, आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है छतरी नंबर 6, और मेरे ऑपोजिट जो है यहाँ पर छतरी नंबर 2, जहाँ से आप पार्क से इस तरफ आ सकते हो, मेन रोड से इस तरफ आने वाला रास्ता है। दोस्तों ये है छतरी नंबर 14, और उसी के बगल में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एक दुकान है, ये है दोलक का दुकान। अगर कोई भी संगीत के शौकीन है, दोलक के अगर शौकीन है, तो उन लोगों के लिए दुकान यहाँ पर है, आप लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे इस यूट्यूब के माध्यम से आप डायरेक्टली इस जगह पे पहुंच सकते हो। दोस्तों वो सामने का रोड था जहाँ से मैंने एंट्री करी थी, और वहाँ पर आपको मिलेगा झूला सेक्टर, तो यहाँ से होते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और ये रोड जो है जहाँ पे ज़्यादातर अपने जो फौजी की जो तैयारियाँ करते हैं, वो बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षण पाते हैं, वो ग्राउंड है। इस ग्राउंड के बगल में अगर आप देखोगे, मतलब ये मेन एंट्री है व्यापार मेला का, जो एंट्री है अगर आप उस तरफ से रोड के गोली के मंदिर के रोड की तरफ से जब आते हो तो ये रोड है जो आपको यहाँ पर लेके आता है। तो यहाँ पर आप आओगे, आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पापड़ सूख रहा है भाई साहब, पापड़ बहुत ही भारी मात्रा में पापड़ को यहाँ पे सुखा रहा है इस एरिया में। ओके, कलरफुल पापड़ है, ये देख सकते हो आप, ये अपने झंडे के कलर का पापड़ को सुखा रहा है यहाँ पे, केसर कलर है, हरा कलर है, सफ़ेद कलर है। ओके, और दुकानें तो भैया बहुत ही कम लगे हुए हैं, फेस करना पड़ता है, तो इसके अंतर्गत तो लोग सोच में पड़ जाते कि दुकान को लगाएंगे तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों बहुत कम दुकानें लगे हुए हैं, बहुत ही बुरा लग रहा है,
सच में, क्योंकि 2 साल के बाद हमने उम्मीद की थी कि इस बार 2022 में बहुत बड़ा सा मेला लगने वाला है, बहुत शानदार मेला होगा। पर सच्ची में दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने खड़ा है। क्या आने वाले दिनों में, मान लीजिए 25 दिसंबर में, क्या 1 जनवरी तक दुकान की शुरुआत होने वाली है, नहीं होने वाली है? ये है हमारा ग्वालियर का ट्रेड फेयर, ग्वालियर का मेला, ग्वालियर की शान। दोस्तों, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दुकानें लग जाए। कोरोना का जो परेशानी जो चल रही है वो हमें संभालना है। हम मास्क अपना पहन के रखेंगे भीड़ में जब हम जाते हैं। तो फिलहाल मुझे देखिए मत बोलिएगा कि आपने क्यों नहीं पहना है, क्योंकि मैं भीड़ में नहीं हूँ, अभी अलग से हूँ। और जब भी लोगों से मुलाकात हुई, मेरी बात हो गई, तो मैं दूर ही खड़ा था, ज़्यादा पास नहीं था दोस्तों। पर जब लोग यहाँ पर आएंगे तो भीड़ भाड़ बहुत होगी। आप चाहे ना चाहे आप लोगों से दूर नहीं भाग सकते हो, क्योंकि आपके अगल बगल से ही निकलेंगे। तो उस दौरान आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, और जो भी गाइडलाइंस हमारे डिस्ट्रिक्ट में जारी होगा तो उसका आपको पालन करना होगा, और उसी के हिसाब से आपको चलना होगा दोस्तों। इस बार दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑलरेडी पेपर में जारी हो चुका है कि 50% RTO पे टैक्स मिलने वाला है, और अभी तक मुझे कहीं पर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का कोई भी एक दुकान नज़र नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएगा और हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। मेरी मुलाकात यहाँ पे हुई है सीधे सीधे मेले के प्रबंधकों से। भाई साहब, आपका नाम? आप सेक्रेटरी सर है? सचिव सर है। सर, आपका नाम बताइए सर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर लगने वाला है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन सा ऑटोमोबाइल सेक्टर आने वाला है इस बार? अच्छा, ओके। और मतलब कब तक कंप्लीट होगा? वैसे 25 दिसंबर आ गया है, मेले की शुरुआत होने वाली थी। शुरू कर दिया काम उन लोगों ने। अच्छा अच्छा नहीं, कब तक अभी शुरुआत होने वाला मेले की शुरुआत, मतलब इनॉग्रेशन कब होगा? मेले की शुरुआत आज से हो गई है। आज से हो गई है, और ऑफिशियली इनॉग्रेशन सर? ऑफिशियली इनॉग्रेशन जैसे भी है, ओके। मतलब एक पर्टिकुलर एक बाउंड्री, मतलब कब तक, जनवरी से पहले, जनवरी के बाद? मेला शुरू हो गया है। हाँ हाँ, मेला शुरू हो चुका है। ओके सर, ओके। तो दोस्तों ये थी जानकारी। ओके, कोई भी यहाँ पे प्रॉपर डेट नहीं है, मेले की शुरुआत हो गई है। ओके, अगर हो गई हो तो दोस्तों आप आ सकते हो और मेले का फ़ायदा उठा सकते हो। पर मुझे जितना जानकारी यहाँ पे मिल रही है, उस हिसाब से ज़्यादा यहाँ दुकानें लही लगे हुए हैं, और आपको जो दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको दिखाया है, वो आप तक मैंने पहुँचा चुका हूँ, और यहाँ पर लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं है कब शुरुआत होने वाला है। चलिए, जो भी हो, हमने आपको जानकारी पहुँचा दिया है, और आप आ जाइएगा और मेले का फ़ायदा उठा लीजिएगा। और यहाँ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है लगने शुरू हुए है, बस लाइन खिंच गई है दोस्तों, और अभी तक कोई दुकानें नहीं आए, कोई काम शुरुआत नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ जल्द इसकी भी शुरुआत होने वाली है। और चलिए दोस्तों, मिलता हूँ, और कुछ अपडेट्स है तो ज़्यादा से ज़्यादा शुरू होने से पहले मैं आपको एक बार अपडेट्स देता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।